हेलो फीलर्स, हमें पता है कि आपके सच्चे सपोर्ट और प्यार के बिना हमारे लिए मेंटल हेल्थ पर बात कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, इसलिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। फीलर्स, क्या हो अगर किसी के सोने के समय के मुताबिक आप उसकी पर्सनैलिटी को पहचान सकें, या कह लें खुद को ही पहचान पाएं, खुद की पर्सनैलिटी को जान पाएं। क्या हो अगर सोने के समय के मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा हो जाए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हालांकि दोस्तों, ये थोड़ा ऊट पटांग तो जरूर लग रहा होगा, पर यही सत्य है। कुछ रिपोर्ट की माने तो सोने के टाइम के हिसाब से हम लोगों की पर्सनैलिटी को भी पहचान सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे, आखिर इसके पैरामीटर्स क्या हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे, और साथ ही साथ आज आपको ऐसी 6 पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा जिनको सोने के समय के मुताबिक निर्धारित किया गया है। तो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। दोस्तों, 6 पर्सनैलिटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी बायोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताना चाहूंगा जो सबकी बॉडी में चलती रहती है, और उस साइकिल के बिना आपका कुछ काम नहीं हो सकता। जी हाँ, उस साइकिल का नाम है सर्कैडियन रिथम। उसको हम सर्कैडियन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और इस दुनिया में प्लांट माइक्रोब से लेकर ह्यूमन बीइंग और एनिमल तक सभी में ये साइकिल ऑपरेट होती है, और ये 24 घंटे तक चलती रहती है। आपको भूख लगना, नींद आना, उठना, बैठना, सब यही ऑपरेट करती है। दोस्तों, आपका जो सर्कैडियन साइकिल है वो आपके जीन्स और एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके घर के साइड में कोई फंक्शन है और बहुत जोर से डीजे बज रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए आप लेट में सोएंगे। इस तरीके से सर्कैडियन रिथम जीन्स के साथ साथ एनवायरमेंट के हिसाब से भी वर्क करती है। अब जैसे नाइट ड्यूटी करने वालों को ही ले लीजिए, उनका सर्कैडियन रिथम बिल्कुल हम लोग से उल्टा हो जाएगा। हम लोग दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। इसलिए दोस्तों, नींद के लिए ये सर्कैडियन रिथम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी नींद अच्छे से होगी तो आपका सर्कैडियन साइकिल अच्छे से परफॉर्म करेगा और आप हेल्थी रहोगे। वैसे अगर सर्कैडियन साइकिल ने अच्छे से काम नहीं किया तो आपका काम बिगड़ भी सकता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी। लेकिन दोस्तों, आप इसकी टेंशन तनिक भी मत लीजिए, क्योंकि अब हम उन 6 पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी सर्कैडियन साइकिल को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। 2022 में दोस्तों, इनसाइडर के द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट में 6 स्लीपर पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है। नंबर 1, द मॉर्निंग लार्क। जी हाँ, मॉर्निंग लार्क। दोस्तों, नाम से तो पता चल ही गया होगा, ऐसे लोग जो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। 9 AM से लेकर 11 AM तक ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, पर लेट आफ्टरनून और इवनिंग में इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, और इसकी वजह से इनको जल्दी से नींद आ जाती है। दोस्तों, मॉर्निंग लार्क्स जो है ना, वो जल्दी उठते हैं, इसलिए इनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए वो बहुत जल्दी सोसाइटी के साथ घुल मिल सकते हैं। वैसे इनका कोई वीकनेस तो नहीं है, पर मॉर्निंग लार्क लेस क्रिएटिव एज कम्पेयर टू बाकी के स्लीपर्स हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी जल्दी उठते हैं? अगर हाँ, तो आप भी एक मॉर्निंग लार्क हैं। नंबर 2, आफ्टरनूनर्स। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं फ्रॉम 11 to 5 PM। ये लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में ज्यादा सोते हैं, और ये आफ्टरनून में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इनकी काबिलियत तो इस बात से पता चल जाएगी कि 2 PM, जहां ज्यादातर लोगों का सबसे आलस वाला टाइम होता है, यही इनका सबसे एक्टिव टाइम होता है। नंबर 3, नैपर्स। दोस्तों, ये लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, लेकिन आफ्टरनून में इनको नींद आनी शुरू हो जाती है। ये लोग इन जनरल काफी प्रोडक्टिव और हेल्थी होते हैं। मॉर्निंग में इनकी एक्टिवनेस भी काफी ज्यादा होती है, फिर आफ्टरनून में ये 1-2 घंटे की नींद लेते हैं, और फिर से इवनिंग में और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप भी दिन में 1-2 घंटे की नींद ले ही लिया करिए, काफी अच्छा लगेगा। नंबर 4, नाइट आउल्स। दोस्तों, ये लोग ज्यादातर दिन में सोते हैं और नाइट में ये अपना काम करते हैं। बेल्जियम में हुई यूनिवर्सिटी ऑफ लीज के रिपोर्ट के अनुसार नाइट आउल्स बाकी के स्लीपर से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। नाइट आउल्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, और ये किसी भी चीज को जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ नाइट आउल्स को मेंटल इलनेस का भी सामना करना पड़ सकता है।
उनकी ब्रेन कनेक्टिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर आप रात में ज्यादा देर तक ना जागें तो काफी ठीक ही होगा। नंबर 5, स्विफ्ट्स। दोस्तों ये लोग सुपर रोबोट की तरह होते हैं, इनका पूरा दिन अलर्ट से भरा होता है। ये पूरे दिन काम करते रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं थकते। ये तब तक काम करते ही रहते हैं जब तक उनको नेचुरली नींद ना आ जाए। सच में स्विफ्ट वाले लोग तो यही सोचते होंगे कि अपुन जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। नंबर 6, वुड कॉक्स। दोस्तों इनको दिन में सोना काफी अच्छा लगता है, ये पूरे दिन सोते रहते हैं, इनको दिन भर नींद की फीलिंग ही आती रहती है। इनफैक्ट वुड कॉक नाम इसीलिए इनको पड़ा है क्योंकि जो वुड कॉक पक्षी है ना वो दिन भर सोता ही रहता है, शिकार के लिए सिर्फ रात में निकलता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आपको पता चल गया हो कि आपकी स्लीपर पर्सनैलिटी कौन सी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।